कई कोर्ट्स ने इतनी लताड़े लगाई हैं फेक एनकाउंटर्स पे। आप फेक एनकाउंटर कह रहे हैं इसको? जी, ये जो आतंकवादियों को, रेपिस्ट को, डकैतों को हम यूलोजाइज करते हैं ना, ये कैसे अकेले सोल ब्रेड अर्नर हैं, हेडमास्टर के बेटे हैं ये, देखो ये आतंकवादी हेडमास्टर का बेटा था, इतना बड़ा था। गोली मारनी पड़ी, क्या कर दे पुलिस वाले, उनको छोड़ देते, जाओ मेरे पति का बलात्कार करो। ऐसे लोग जो बलात्कार करते हैं ना, उनको आपके स्टेटमेंट से शह मिलती है कि आप जैसे लोग उनको बचाएंगे। खड़े होते हैं कि जिम अगर बंद होने वाला होगा, बत्ती बंद हो जाएगी, पता नहीं कौन भेड़िया छुपा होगा, उसके लिए निकल जाऊंगी। सामने मेरी बच्ची का होगा तो मैं थाने जा कर इंतजार करूंगी, तोड़ दूंगी उसको। जाने दीजिए, मैं जा रहा हूँ, ये भड़काने वाले काम मैं नहीं करूंगा। ठीक है, आप जा सकते हैं, बंदूक निकालो, मारा भड़का दिया देश को। ठीक है, ठीक है, भड़काइए, आप जाइए। जी दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जो इंडियन नया भारत के एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोलकाता में हुए रेप कांड के बाद पूरे देश में उबाल है। पूरा देश इस वक्त चाहता है कि इस तरीके के अपराधियों के साथ सख्ती से निपटा जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। दोस्तों, इस तरीके के कांड पूरे देश में हर जगह हो रहे हैं, लेकिन कानून में कुछ कमियों के चलते इस तरीके के अपराधियों को बहुत समय तक या तो ट्रायल में रखा जाता है या फिर उन्हें सजा नहीं मिलती। इसी बात को लेकर के आज की ये डिबेट जहां चल रही थी, उसमें संबित पात्रा ने कांग्रेस के प्रवक्ता को अच्छे से रगड़ दिया। वो उन अपराधियों की वकालत करने उतरे थे जिन्हें कांग्रेस हमेशा बचाती आई है, लेकिन संबित पात्रा ने कांग्रेस के प्रवक्ता की अच्छे तरीके से क्लास लगा दी। दोस्तों, इस डिबेट को एंड तक देखिएगा, आपको ये डिबेट बड़ी अच्छी लगेगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो के साथ में एंड तक देखते हैं। थैंक यू। कई कोर्ट्स ने इतनी लताड़े लगाई हैं फेक एनकाउंटर्स पे। आप फेक एनकाउंटर कह रहे हैं इसको? जी, फेक एनकाउंटर। मैं बोल लूं पूरा, जब मैं देखिए, आपने शुरू में कहा बहुत संजीदगी से बात, बिल्कुल, इसलिए फेक एनकाउंटर्स पे जब लताड़े लगाई गई हैं तब हर एनकाउंटर की इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या हम नहीं मानेंगे इस बात से? लेकिन लेकिन हम जब तक उस इंक्वायरी का रिजल्ट ना आ जाए, अथवा इस तरीके से पूरी बोलने नहीं दीजिएगा, इस तरीके से किसी भी अपराधी, जो कि अपराधी मान लेता हूं मैं, अपराधी क्योंकि अभी एक्यूज थे, अपराधी को मारना वो इसलिए न्याय संगत नहीं है। सुबुही जी वकील हैं, वो जानती हैं कि अगर कोई अपराधी है तो उसको पता होना चाहिए कि उसको पनिशमेंट क्यों मिला है। ये हमारे कानून का न्यायिक सिस्टम कहता है आप उसको मार देंगे तो उसको नहीं मालूम क्या है, और सजा को न्यायिक नहीं मिला। एक सेकंड, अभी मेरे दोस्त निशान भाई ने कहा कि चलो मान लेता हूं मैं कि इन्हीं लोगों ने रेप किया। मुझे लगता है ये बहुत इनसेंसिटिव स्टेटमेंट है, आपको ही नहीं है जो आप मान लेंगे तो कुछ हो जाएगा। इन्होंने रेप किया, पुलिस ने बिल्कुल सबूतों के साथ उन्हें पिक किया, बल्कि पुलिस ने पहले तो गड़बड़ी की थी FIR नहीं करके, और क्या क्या पुलिस का पाप रहा था वो भी हमने देखा है। इसलिए आप ये मत बोले कि मैं मान लेता हूं, चलो अभी तो अक्यूज ही थे। ये जो बचाने की कोशिश होती है, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, कुछ एक बड़े न्यूज हाउसेस ने आर्टिकल लिखे कि ये जो रेपिस्ट था ना, ये सोल ब्रेड अर्नर था, अकेला गरीब घर का लड़का। सर मैं बोल लूं प्लीज, सर मैं प्लीज बोल लूं, आप पूछ लीजिएगा, मैं जवाब दूंगा। बेचारा लड़का गरीब घर का है, ये अकेला ही ब्रेड अर्नर था, और रात को बेचारा डर के आया, और किस प्रकार सहमा सहमा वो सोया था। ये हमें बंद करना होगा। ये जो आतंकवादियों को, रेपिस्ट को, डकैतों को हम यूलोजाइज करते हैं ना, ये कैसे अकेले सोल ब्रेड अर्नर हैं, हेडमास्टर के बेटे हैं ये, देखो ये आतंकवादी हेडमास्टर का बेटा था, कितना बड़ा था, ये इस काम को बंद करना होगा। दूसरी बात, मैं एक बहुत आदर के साथ, मेरी बहन खड़ी है, बिल्कुल सही बात है, बेटी या बेटा उसके दर्द को माँ बहुत ज़्यादा समझती होगी और माँ ही जानती होगी क्या गुजर रहा होगा, मगर पिता को भी डिस्काउंट ना करें। पिता भी अपनी बेटी के दुख को समझता है, और आज जो हुआ है उससे पिता भी सुखी महसूस कर रहा होगा कि हाँ बेटी को न्याय मिला है। इसलिए पिता के नाते भी हम सबको अपने बच्चों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। सर सर सर, बिल्कुल आपको मैं मौका दूंगा। कानून से ऊपर नहीं है हम और आप, कानून से ऊपर नहीं है। सर सर सर, हुआ सुबुई खान, अब आप बोलिए। एक सेकंड निशांत जी, अब गलत करें कम से कम। रंजीत जी, तुम यहाँ पे क्या बोल रही है? आप कानून बदलिए। ठीक, आप बोलिए। आपका भी गुस्सा जेन्युइन है। पॉलिटिकल बहुत सारे लोग बलात्कारी हैं, प्लीज सुनिए, और सदन में है, मैं यहाँ से बोलती हूँ, वो भी ब्रूटल अपराध है उनको सदन के अंदर बैठाना। मैं तब से क्या बोल रही हूँ, ये हमारा सिस्टम फेलियर है, सिविल सोसाइटी का फेलियर है, जिसका नतीजा है कि उनको भागते हुए गोली मारनी पड़ी। क्या कर दे पुलिस वाले, उनको छोड़ देते, जाओ
ऐसे लोग जो बलात्कार करते हैं ना, उनको आपकी स्टेटमेंट से शय मिलती है कि आप जैसे लोग उनको बचाएंगे। वो जेल से उन्नाव से निकलते वो लड़का, उस लड़की को मारने की जो हिम्मत आई है ना, आप जैसी स्टेटमेंट, ह्यूमन राइट्स की स्टेटमेंट और वैसे बलात्कारी पॉलिटिशियन और बाबू बजरंगी जैसे मास मर्डरर्स को छोड़ने वाले लोग यहाँ मुझसे बात कर रहे हैं, ये आप लोग छोड़ने वाले लोग मुझसे बात कर रहे हैं, आप लोग ये बातें नहीं करेंगे। एक सेकंड देखिए देखिए, एक निषाद वर्मा, एक सेकंड निषाद वर्मा शांत बैठिए। कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून जहाँ पे है कानून अनुसार करेंगे। कोई बलात्कारियों को शरण देगा? जाओ बेटा भाग जाओ, दो चार लड़की एक सेकंड, एक निषाद, निषाद प्लीज, कम से कम से कम यहाँ पर आधे दर्जन से ज्यादा लोग रो रहे हैं। बरका बरका प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, यहाँ आधा दर्जन से ज्यादा लोग रो रहे हैं। जी जी एक सेकंड, निषाद निषाद प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट को मानिए, रिक्वेस्ट एक सेकंड, रिक्वेस्ट को मानिए, आप क्या निषाद रिक्वेस्ट को मानिए, यहाँ से बाहर निकलते खत्म हो जाए लोग बोलिए चला। जी 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 एक सेकंड, अगर मैं भड़का रही हूँ बच्ची के लिए तो ये क्या रेपिस्ट को शायद है? तो क्या होना चाहिए? रेपिस्ट मरना चाहिए या शायद मरना चाहिए? निशात निशात देखिए, ये निशात एक चाहिए वो के प्रोग्राम से बाहर निकल के बोलिया चले, आप ये चाहिए आप सुबह सुबह सम्बित 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 निशात वर्मा, निशात वर्मा, निशात वर्मा, देखिए ये गलत है, ये गलत है, गलत है, आपको गलत लग रहा है ना, आप बाहर निकल के आप हो गया, आपको गलत लग रहा है ना, आपने अपनी बात को रख लिया, कानून अपनी जगह है, रंजीत रंजन कानून के रखवाले ऐसे बात कर रहे हैं, कानून ने कानून के तहत मारी, फिर क्यों प्रश्न कर रहा है? अरे कानून ने कानून के तहत उनको बलात्कार एक सवाल नहीं मारी है, भगोड़ों ने बमाल ले सवाल सही बात कर। 16 साल की बेटी है मेरी, प्रश्न करती है मुझसे कि कैसे सेव करोगे मुझे, क्यों मुझे रात में 10 बजे जगने से जाने से रोकते हो? ठीक बात है। वो जिम जाती है ना, मैं सही बता रही हूँ, रोंगटे खड़े होते हैं कि जिम अगर बंद होने वाला होगा, बत्ती बंद हो जाएगी, पता नहीं कौन भेड़िया छुपा होगा, बंदूक लेके नहीं निकलेंगे, निकल जाऊंगी, बंदूक लेके निकलेंगे, क्या बात कर रही है आप, तमाशा देखूंगी मैं, हम बंदूक लेके निकलेंगे सड़क पे, ये कहना क्या चाहती है, ये जस्टिफाई कर रही है, मैं नहीं कर रहा, मैं तो नहीं कर रहा, लेकिन ये कर रही है, तमाशा देखूंगी, अरे मेरी बेटी के साथ मैं एफआईआर दर्ज कराती हूं, मुंह तोड़ दूंगी उसका, ये लोग कानून के ऊपर है क्या, मुंह तोड़ दूंगी उसका, ये चाहते हैं किसी के घर में मेरी बेटी के साथ कुछ हो तो मैं जाके, निशात निशात शांत बैठिए, चाहते हैं आप, देखिए बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं, अब रुक, मैं जाके गोली मारूं, शांत बैठिए, सबित पात्रा, सबित पात्रा, रंजीत जी, रंजीत जी, मेरे सामने मेरी बच्ची का होगा तो मैं थानेदार का इंतजार करूंगी, मुझ तोड़ दूंगी उसका, जी जी वो कर रहे हैं वो अपनी जगह, जी एक सेकंड, निशात निशात शांत, आप कानून के ऊपर, निशात शांत शांत एक सेकंड, सबित पात्रा, सबित पात्रा बोलेंगे, और यहाँ पर ऑडियंस में बड़ी बच्चियां बोलना चाहती है, मुझे लगता है कि आप लोग डेली टीवी डिबेट पर आते हैं, शांत रहिए, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, देखिए रंजीत जी मेरी ओपोनेंट है पार्टी वाइज, मगर आज मैं उनसे लड़ना नहीं चाहता हूं, बिकॉज देखिए एक माँ भी है, वो बिल्कुल सही कह रही है कि मेरी बेटी किस, मैं बहुत बड़ी भावना है, और सिर्फ रंजीत जी की नहीं है, यहाँ बैठे प्रत्येक महिला की भावना है, और इस भावना को हम अपने तरीके को रखें, आप कानून के विषय में बात करना चाहते हैं करिए, मगर चिल्ला के मत करिए, अपने तरीके से करिए, तुम चुप हो जाओ, तुम बैठ जाओ, ये तरीका नहीं होता है, इतने सेंसिटिव विषय में किस प्रकार का व्यवहार, जो हम लोग मंच पे खड़े हैं, क्या ये व्यवहार हमें शोभा देता है, इतना तो कम से कम सोच ले कि जनता ने हमें मंच पे क्यों बैठाया है आज, नहीं नहीं क्या ऐसा चेहरा बना के क्या बोल रहे हैं आप, नहीं आप सीखने की बात नहीं, आप क्या है, ये क्या चेहरा बनाया हुआ है आपने, आप शांति से रुकिए, आज लोगों को बोलने दीजिए और हमें सुनने दीजिए, रहिए मैं जा रहा हूँ, ये लोगों को इनको जाने दीजिए, लेट लेट हिम गो, लेट हिम गो, आप जाइए, आप जा सकते हैं, ये भड़काने वाले काम मैं नहीं करूंगा, लेट हिम गो, आप इनको निकाल दीजिए, आप लोगों को भड़का रहे कानून से ऊपर, आपको जाना, आप जा दीजिए, मेरे को नहीं चाहिए, आपको जाना, आप जाइए, ये प्रोग्राम आपको जाना, आप चले जाए, मैं जा रहा हूँ, ये भड़काने वाले काम मैं नहीं करूंगा, ठीक है आपकी मर्जी, अशीष भाई कोई कानून से ऊपर नहीं है, इनसे कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, ये मैं कतई नहीं मानूंगा, ना मानने जा सकते, जा सकते भाई, बंदूक निकालो मारो, ये कोई बंदूक निकाल के मारने की बात नहीं, ये करा रहे, ये करा रहे,
ये चले जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं तो जा ही रहा हूँ। जी जी, ये बेकार के भड़काने मैं नहीं करूंगा। आप जा सकते हो, प्लीज इन्हें जाने दीजिए और आप भड़काइए देश को। ठीक है ठीक है, भड़काइए, आप जाइए। तुम्हें शर्म है कुछ शर्म आया है?